नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा ये शुभ का मानी जाती है। और बता दें कि आज मैं मौजूद हूं गंगा घाट पे, चूँकि आज गंगा स्नान का एक धारणाएँ बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है कि कार्तिक मास की जो ये पूर्णिमा होती है उसमें गंगा स्नान एक पवित्र माना जाता है और सभी पुरुष महिलाएँ यहाँ गंगा घाट पे। मैं पटना के दीघा में 88 नंबर घाट है ये मौजूद हूँ मैं वहाँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतने लोगों की हुजूम है, तकरीबन यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और मैं बता दूँ, इसका जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट कुर्जी से दीघा से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ तकरीबन 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बिल्कुल जाम रहता है गाड़ियों से, लोगों की आवाजाही से। और इसको लेकर के ये आस्थाएं बनी हुई रहती है गंगा घाट पे। और कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास का जो ये पूर्णिमा है, वैसे जहाँ जहाँ गंगा है, चाहे वो बिहार में सिमरिया हो, भागलपुर हो, जहाँ जहाँ गंगा की ये धारा है वहाँ गंगा स्नान के ऐसे ही घाटों पर ऐसी ही भीड़ भड़पती रहती है। हम आपको और आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी मान्यताएं कितनी प्रबल होती है और गंगा स्नान से किस हिसाब से लोग अपने को पुण्यात्मा की बात करते हैं। कुछ मान्यताएं हैं, आज ही के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन? आज क्योंकि पूर्णिमा है तो अच्छा, सबको निहाना चाहिए, क्योंकि इतना सब पूरा आज बहुत महत्वपूर्ण अथी है पूर्णिमा महीना, बहुत अच्छा महीना है, इसीलिए सब लोग निहाते हुए हैं ऐसे। आप यहीं के हैं? पटना से? पटना से, राजीव नगर। तो हर साल आते होंगे आप लोग नहाने? हाँ, हम लोग तो हर साल आते हैं नहाने के लिए। हाँ। ऐसे ही भीड़ रहती है? हाँ, ये ऐसे ही भीड़ रहता है, और इससे ज़्यादा भी भीड़ रहता है। इससे ज़्यादा भी भीड़ होता है। सुबह में आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा भीड़ रहेगा। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ 3 बजे रात से ही लोगों की भीड़ बनी हुई है। हाँ, तो आज कार्तिक महीना का लास्ट महीना है ना, इसीलिए पूर्णिमा है, तो इसीलिए इतना भीड़ है, सबका पाप धुल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा शबनम कुमारी। तो देख सकते हैं कि यहाँ गंगा घाट पर जिस हिसाब से ये भीड़ दिख रही है, चूँकि अभी अभी छठ संपन्न हुआ है कुछ दिन पहले, ये छठ इसी घाट पे होता है पटना में, और ये बहुत नामी घाट होता है, यहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ होती है छठ पर्व में। उसी घाट पर ये देख सकते हैं सारी गतिविधि, सारी व्यवस्थाएँ बनी हुई पहले से है, और आज गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन के तरफ से भी चुस्त दुरुस्त बना हुआ है सारी व्यवस्थाएं। आप देख सकते हैं गंगा के बीच में, गंगा की एकदम बीच धार में लोगों, श्रद्धालुओं की ये भीड़ गंगा स्नान के लिए। पटना का दीघा स्थित ये 88 नंबर का घाट है, आप देखिए यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, और कार्तिक की पावन पूर्णिमा पर ये गंगा स्नान होता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं का ये बहुत ही पवित्र दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, और इसमें गंगा स्नान की एक अलग अलग तरह से मान्यताएं होती है। आज बता दूं कि मिथिला में आज के दिन सामा चकेवा एक लोक कह सकते हैं कि पर्व के तौर पे माना जाता है भाई बहन के प्यार को, और यहाँ सामा चकेवा मिथिला में ये खेला जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आज रात में सामा को भसाव किया जाएगा और वहाँ चुगला को आग लगाया जाएगा, इस तरह की परंपराएं रही है, लोक परंपरा रही है सामा चकेवा के आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये कार्तिक पूर्णिमा को एक शुद्ध मान करके स्नान करता है? वो अपनी अपनी आस्था का विषय है, जिनको जितना आस्था है उस हिसाब से पूजा करते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है? कुछ विशेष महत्व है, इसलिए लोग सब आते हैं। कुछ ऐसा विशेष महत्व है? आप कहाँ के रहने वाले? मैं यही LCT घाट, पटना LCT घाट। लेकिन पूरे साल में एक कहता है पूस का पूर्णिमा होता है वो, हाँ। और एक कार्तिक का पूर्णिमा, हाँ। इसमें गंगा स्नान किया जाता है, हाँ।
कुछ विशेष महत्व है इसका, इस तरह का कोई ना कोई पारंपरिक कोई महत्व होगा होगा। आपको क्या जानकारी है सर, आप कुछ जानते हैं यहाँ गंगा स्नान का क्या परंपरा रहता है कार्तिक पूर्णिमा? लोग पुण्य के लिए करने आते हैं, कार्तिक स्नान का बहुत हमारे इतिहास में बहुत इसको मान्यता दी गई है। इस स्नान से बाल बच्चे परिवार सबको खुशहाली या प्राप्ति होती है, पुरुष महीना में भी यही चीज़ है और इसीलिए इसका महत्वपूर्ण मतलब कि स्नान माना जाता है। लोग दूर दूर से भी आते हैं गंगा स्नान के लिए। आप पटना के ही रहने हम एकदम पटना के हैं। यहाँ कैसी भीड़ होती है? काफ़ी भीड़ होती है मैंने आतोत्साहित भीड़ होती है। छठ के बाद दूसरा ये स्नान होता है जो मतलब कि देखने लायक होते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद सीधे लोग सोनपुर मेला को प्रस्थान कर जाते हैं। हरिहर नाथ का मेला आज जरूर लोग मतलब कोशिश करते हैं जाने का, मतलब यहाँ से स्नान करने के बाद हरिहर महादेव को जल चढ़ाना। हाँ, जल चढ़ाना। हाँ, और मेला का लोग ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं मेला घूमने के ख्याल से, जो बहुत ही मतलब कि अतिशयोक्ति है ये हमारे इतिहास में। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सब कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा। अभी हमारा बिहार सरकार का काफ़ी मतलब कि पिछले 10 वर्षों से घाट के प्रति बहुत अच्छा रख रखाव ये सब की जिम्मेवारी सरकार उठा रही है। कोई भी तरह की घटना घटित नहीं हो इसका भी सरकार का ख्याल रहता है और काफ़ी मतलब सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना न हो। तो देखिए, श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ देखिए एक परंपरा बनी हुई है और जिस परंपरा के तहत इस घाट पे या गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान किया जाता है इसी परंपरा के को लेकर के किया जाता है। इसमें पूर्वजों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, हिंदू धर्म के लिए इस तरह की आस्था बनी रहती है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके, और ये भी मान्यताएँ हैं यहाँ पटना में कि गंगा स्नान करने के बाद बगल में सोनपुर है वहाँ हरिहर नाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाना लोग और शुभ मानते हैं। तो अब ये इस तरह की आस्था, चूँकि आज बता दें गुरु नानक जयंती भी है, जो हमारे सिख के गुरु थे गुरु नानक जी, उनका भी जयंती है और उस चीज़ को लेकर के उस हिसाब से यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं, गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर लोग अपने को पवित्र और पुण्य का काम करते हैं। अमलेशानंद, KBC News, पटना।